और इस भी बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पेशी का समन मिला है। केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा, ये अब तय हो गया है। ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का समन। आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट पहुंची और ईडी ने कहा कि 8 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि आपको बता दें, ये कोई पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन की तामील ना करने के लिए कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट की तरफ से बीते 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि बजट सत्र के चलते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उस मामले में भी कोर्ट की तरफ से 16 मार्च की तारीख दी गई थी। तो अब फिर से जो दूसरी शिकायत है ईडी की, उसमें भी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा। दरअसल इस मामले में ईडी की तरफ से जो शिकायत दी गई है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने ये जो आबकारी मामला है उसकी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसमें पेश नहीं हुआ। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 190A के तहत जो है उन्होंने उनके आदेश की, या ये कहूँ कि उनके समन की पालन नहीं किया, जिसको लेकर के कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत अरविंद केजरीवाल को उस समन को मानना चाहिए था